वेलकम टू एनके क्लासेस गाइस। पिछली क्लास में हमने कंपोजिट सेक्शंस में कैसे अलग अलग मटेरियल के लिए स्ट्रेस निकालते हैं वो देखा था। इस वीडियो में हम थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में जानेंगे कि थर्मल स्ट्रेसेस क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, किसी भी मटेरियल में टेम्परेचर के राइज और फॉल होने से कैसे थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो हम देखते हैं। सो बेसिकली थर्मल स्ट्रेसेस होती क्या है कि जब भी कोई मटेरियल या बॉडी होती है टेम्परेचर के चेंज होने से उसमें इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन आता है। अगर वो राइज होता है टेम्परेचर तो उसमें इलोंगेशन आता है, और किसी भी बॉडी में अगर टेम्परेचर लोअर होगा तो उसमें डिफॉर्मेशन आता है। तो अब अगर जो आपका बॉडी है वो अगर फ्री है तो उसमें इलोंगेशन आ जाएगा और उसमें कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। पर वहीं अगर हमने उसको दोनों साइड से क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है और टेम्परेचर को बढ़ाया है, तब उसमें स्ट्रेसेस डेवलप्ड होगी और वो स्ट्रेस क्या कहलाएगी, थर्मल स्ट्रेसेस। सो बेसिकली थर्मल स्ट्रेसेस जो होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से प्रोड्यूस होती है। और कब प्रोड्यूस होगी, जब वो दोनों साइड से कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। मीन्स दोनों साइड से कैसा होगा, वो फिक्स्ड होगा, तभी उसमें थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होगी, नहीं तो थर्मल स्ट्रेसेस जीरो हो जाएगी। क्योंकि अगर उसको दोनों साइड से हम रजिस्ट नहीं करवाएंगे तो उसमें कोई से भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। थर्मल स्ट्रेसेस आर द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। थर्मल स्ट्रेसेस आर सेटअप इन ए बॉडी वेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज राइज्ड और लोअर्ड। तो जब भी टेम्परेचर राइज होगा तो वो इलोंगेट होगा, और जब भी टेम्परेचर लोअर होगा तो वो डिफॉर्मेशन होगा। एंड द बॉडी इज नॉट टू अलाउड एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली, बट इफ द बॉडी इज अलाउड टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली नो स्ट्रेसेस विल बी डेवलप्ड। तो अगर वो फ्री है इलोंगेट होने के लिए या डिफॉर्म होने के लिए तो उसमें कोई सी भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होगी। थर्मल स्ट्रेसेस तभी डेवलप हो सकती है जब हमने दोनों साइड से उसको कन्फाइन कर रखा हो बॉडी को। नाउ इफ द रोड इज फ्री टू एक्सपांड, द इलोंगेशन ऑफ द रोड इज गिवन बाय डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा टी इंटू एल। सो जो इलोंगेशन होगा डेल्टा एल या डी एल वो कितना होगा, अल्फा टी ई। अल्फा क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसको हम बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, जो कि हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर स्टील की बात करते हैं या कंक्रीट की बात करते हैं तो ये होता है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है पर डिग्री सेल्सियस। जो आपका टी है वो क्या है, राइज इन टेम्परेचर, मीन्स पहले जितना था और अब जितना है उनके बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या है, डेल्टा टी। मीन्स अगर पहले 60 डिग्री है और अभी फॉल होके वो 30 डिग्री हो गया, तो जो चेंज आएगा 30 डिग्री वो हमारा क्या हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर। यहाँ पे जो एल है वो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी है, मीन्स जो उसकी पहले लेंथ क्या थी, ओरिजिनल लेंथ, वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल। सो जो भी इलोंगेशन आएगा टेम्परेचर के चेंज होने से वो कितना होगा, अल्फा टी इंटू एल। अब अगर हम स्ट्रेन निकालें तो थर्मल स्ट्रेन क्या हो जाएगी, डीएल बाय एल, जो चेंज इन इलोंगेशन होगा डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल लेंथ है वो। सो अभी हमने देखा जो चेंज इन इलोंगेशन है तो वो कितना है, अल्फा टी एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना जाएगा, अल्फा इंटू टी। नाउ अगर हम थर्मल स्ट्रेस निकालें तो हमारा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन हमने ऊपर निकाला अल्फा इंटू टी, सो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फा इंटू टी इंटू ये कितना हो जाएगा, ई। तो हमारा जो थर्मल स्ट्रेस है वो कितना आ जाता है, अल्फा इंटू टी इंटू ई। अल्फा क्या है, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ई क्या है हमारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ पे टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी चेंज आ रहा है टेम्परेचर में वो। सो थर्मल स्ट्रेस इज गिवन बाय अल्फा इंटू टी इंटू एल, एंड थर्मल स्ट्रेन इज गिवन बाय अल्फा इंटू टी, और जो इलोंगेशन आएगा वो कितना आएगा, अल्फा इंटू टी इंटू एल। सो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, थर्मल स्ट्रेस और जो चेंज इन इलोंगेशन है वो। सो ये दोनों हमको फॉर्मूले याद रखना है। नाउ इसमें एक और केस होता है
जब आपका सपोर्ट क्या हो यील्ड हो जाए, मींस सपोर्ट जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस होके या तो आगे चले जाए या पीछे आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन चेंज होंगे। तो वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से चेंज होंगे। इफ द सपोर्ट यील्ड बाय एन अमाउंट ऑफ डेल, मींस अगर वो डेल से डिस्प्लेस हो गया है, देन द एक्चुअल एक्सपांशन, तो हमने जो अभी निकाला था वो निकाला था हमने अल्फा टी इंटू एल, अल्फा इंटू टी इंटू एल, बट अब क्या होगा वो अल्फा इंटू टी इंटू एल माइनस डेल, क्योंकि डेल वो पहले ही जा चुका है तो हम उसको माइनस करेंगे, तो वो हो जाएगा अल्फा इंटू टी इंटू एल माइनस डेल। ये हमारा क्या आया, एक्सपांशन आया, मीन्स इलोंगेशन आया। अब अगर हम थर्मल स्ट्रेन निकालते हैं गाइज, तो थर्मल स्ट्रेन हमारी क्या हो जाएगी, डीएल डिवाइडेड बाय एल। डीएल हमने निकाल चुके हैं ऊपर, अल्फा इंटू टी इंटू एल माइनस डेल, और ये डेल क्या है, जिससे जितना अमाउंट से वो यील्ड हुआ है मीन्स आगे गया है वो। अब थर्मल स्ट्रेस निकालना है, तो हम स्ट्रेन निकाल चुके हैं, तो स्ट्रेस क्या होती है, थर्मल स्ट्रेन इंटू ई। सो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू हम पुट कर देंगे, अल्फा इंटू टी इंटू एल माइनस डेल डिवाइडेड बाई क्या जाएगा, एल इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है थर्मल स्ट्रेस का, कब, जब आपका सपोर्ट जो है वो यील्ड कर रहा है, और अगर आपका सपोर्ट यील्ड नहीं करेगा तो डेल की वैल्यू हम जीरो रख देंगे। तो यहां पर डेल की वैल्यू कितना रखा जाएगी, जीरो। सो जीरो रखेंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा इंटू ई, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा उस केस में सिग्मा टी इज इक्वल्स टू अल्फा टी ई। सो ये कब होता है, जब आपका सपोर्ट यील्ड नहीं हो रहे, नो सपोर्ट यील्ड। सो दो कंडीशन होती है हमारे पास, तो जब आपका सपोर्ट यील्ड नहीं होता है, जब हमारे पास थर्मल स्ट्रेस आता है अल्फा टी इंटू ई, और जब आपका सपोर्ट यील्ड हो रहा है तब उसकी वैल्यू कितनी आती है, अल्फा टी एल माइनस डेल डिवाइडेड बाय एल इंटू ई। सो ये थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी भी बॉडी में या किसी बार में टेम्परेचर का चेंज होगा, मीन्स टेम्परेचर राइज करेगा या टेम्परेचर फॉल करेगा, तो जो बॉडी है या बार है वो इलोंगेट या डिफॉर्म होता है। अब अगर हमने उसको दोनों साइड से कन्फाइंड कर रखा है तो उसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती है, और वही स्ट्रेस जो होती है वो हमारी थर्मल स्ट्रेस होती है। अब थर्मल स्ट्रेस में दो कंडीशन आती है, या तो आपके सपोर्ट यील्ड हो रहे हो या फिर सपोर्ट्स अनयील्ड है, मीन्स सपोर्ट्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर सपोर्ट्स अनयील्ड है तो उसमें जो वैल्यू होती है वो आती है अल्फा टी इंटू ई, और जो आप सपोर्ट्स आपके यील्ड हो रहे हैं तब उसमें वैल्यू आती है अल्फा टी एल माइनस डेल डिवाइडेड बाय एल इंटू ई। गाइज आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, जो भी मैं बता रहा हूं उसको अपने हिसाब से नोट्स कर ले, ताकि जब भी आप आगे उसको पढ़ेंगे तब आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा। और जो भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं उनको भी आप पहले यहां पे करिए, और फिर जब आप रिवीजन करें तो उनको अपने हिसाब से करिए, ताकि आपको और जल्दी समझ में आएगा। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। सो इसका पहला न्यूमेरिकल देखिए, ए रोड इज 2 meter लॉन्ग एट ए टेम्परेचर ऑफ 10 degree Celsius। एक रोड है जो कि कितने टेम्परेचर पे है, 10 degree Celsius पे। फाइंड द एक्सपांशन ऑफ द रोड व्हेन द टेम्परेचर इज राइज्ड टू 80 degree Celsius। इफ द एक्सपांशन इज प्रिवेंटेड, मतलब हमने उसको कन्फाइंड कर रखा है। फाइंड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मटेरियल ऑफ द रोड, तो जो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी वो हमको निकालना है। यहाँ पे हमारे पास ई और अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। सो हमारे पास लेंथ गिवन है 2 meter, T1 जो है वो 10 degree Celsius है, T2 जो है वो 80 degree Celsius है, E हमारे पास गिवन है 1 × 10^5 N/mm², एंड अल्फा हमारे पास गिवन है 12 × 10^-6 °C। हमको क्या निकालना है, इसमें स्ट्रेस फाइंड करना है। सो यहाँ पे कोई सपोर्ट्स यील्ड नहीं हो रहे हैं, तो जो आपका स्ट्रेस है वो आ जाएगा अल्फा टी इंटू ई। नाउ जो टी है वो क्या होता है, आपका राइज इन टेम्परेचर। सो हम राइज कैसे निकालेंगे गाइस, टी टू माइनस टी वन, तो जो आपका टी है वो आ जाएगा टी टू माइनस टी वन।
T2 आपका है 80 डिग्री, T1 है आपका 10 डिग्री, सो राइज इन टेम्परेचर कितना गया गाइज 70 डिग्री सेल्सियस। सो जो आपका फॉर्मूला है अल्फा टी इंटू ई, इसमें जो टी होता है वो राइज इन टेम्परेचर होता है, मीन्स जो फाइनल है टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में फाइनल जो टेम्परेचर था वो 80 डिग्री दे रखा था, वो जो इनिशियल था वो 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा था। सो हम थर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं अल्फा इंटू टी इंटू ई। अल्फा है हमारे पास 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6, चेंज इन टेम्परेचर है हमारे पास 70 इंटू ई जो है हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर 5। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 12 इंटू 7 तो ये हमारे पास आ जाएगा 84 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो जो इसकी यूनिट आती है गाइस वो आती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि ये पर डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाता है, तो ई की जो यूनिट होगी वही हमारी किसकी यूनिट होगी, ई की जो यूनिट होगी वही हमारी किसकी यूनिट होगी, थर्मल स्ट्रेस की। सो सिंपल है, जब आपका सपोर्ट्स अनइल्ड होता है, सपोर्ट्स में कोई भी इल्डिंग नहीं होती है, तब हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अल्फा टी इंटू ई। नाउ सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ए स्टील रोड ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 5 मीटर लॉन्ग इज कनेक्टेड टू 2 ग्रिप्स एंड द रोड इज मेंटेन्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द स्ट्रेस एंड पुल एक्सर्टेड व्हेन द टेम्परेचर फॉल टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन में बताया है कि जो एंड्स है वो नॉट इल्ड है, मीन्स वहां पे कोई भी इल्डिंग नहीं हो रही है। और सेकेंड कंडीशन है जहां पर आपका सपोर्ट्स जो है वो इल्ड कर रहे हैं कितने से, 0.12 सेंटीमीटर से। सो गाइज यहां पे हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है, T1 हमारे पास गिवन है 95 डिग्री सेल्सियस, T2 हमारे पास गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, E जो हमारे पास वो गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे हम टेक ई इक्वल्स टू लिख लेते हैं 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद आपको गिवन है अल्फा ये कांस्टेंट होते हैं जो आपके स्टील है उसके लिए। सो स्टील के लिए ई और अल्फा क्या होता है 2 इंटू 10 की पावर 5 ई होता है, और अल्फा क्या होता है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने कंसीडर कर लिए। अब सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि जब आपके एंड्स जो है वो डू नॉट इल्ड, तो यहां पे जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगी वो कितनी होगी, अल्फा इंटू टी इंटू ई। अल्फा की वैल्यू आप पुट करोगे। अब जो आपका टेम्परेचर है वो चेंज होता है, तो चेंज कितना हो रहा है 95 से कहां तक जा रहा है आपका 30 तक, इंटू ई कितना है आपका 2 इंटू 10 की पावर 5। तो गाइज इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 156 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ उसने हमको पुल भी पूछा है कि फोर्स कितना होता है, सो हमको पता है कि जो आपका स्ट्रेस होता है वो होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। सो यहां पे आपकी स्ट्रेस कितनी, 156 डिवाइडेड बाय फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो यहां पे आपका स्टील डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, उसको हम काय में कर लेंगे, एमएम में कर लेंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास फोर्स इज इक्वल्स टू 156 इंटू पाई बाय 4 इंटू 30 का स्क्वायर। सो गाइज इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास 110270.16 न्यूटन। सो आंसर जो आ गया आपका काई में आ गया गाइज, न्यूटन में आंसर आ गया। ये हमारा क्या था, जब हमने फर्स्ट कंसीडर केस करा डू नॉट यील्ड वाला, अब सेकेंड केस हम कंसीडर करते हैं जिसमें वो यील्ड हो रहा है कितने से, 0.12 सेंटीमीटर से। सो यील्ड हम ले लेते हैं 0.12 सेंटीमीटर। अब जब हम सारी यूनिट्स एमएम में लिख रहे हैं तो इसको भी हम एमएम में लिख लेंगे, तो 1.2 एमएम। नाउ
जो हमारा यील्ड का फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, तो जो यील्ड का फॉर्मूला है वो कितना है, अल्फा टी इंटू एल माइनस डेल डिवाइडेड बाय एल इंटू टी। तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो जो आपकी थर्मल स्ट्रेस है वो कितनी, अल्फा टी एल माइनस डेल डिवाइडेड बाय एल इंटू कितने लिख देंगे हम इसमें ई। सो वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 इंटू 10 के पावर माइनस 6। जो चेंज है, चेंज कितना आ रहा है आपका 65 का, इंटू जो लेंथ है आपकी 5 मीटर है उसको हम mm में कर लेंगे। ई कितना आपके पास, 2 इंटू 10 की पावर 5। सो ये हमारे पास टोटल हमारा क्या जाएगा, ये थर्मल स्ट्रेस। तो गाइज इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारी थर्मल स्ट्रेस निकल गई। वापिस से हम क्या करेंगे, जब हमको पूल निकालना है, पूल इन दी रोड, तो वो क्या जाएगा, थर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया। सो जो हमारा थर्मल स्ट्रेस आ रहा है उसमें हम किसका इनटू कर देंगे, एरिया का इनटू कर देंगे गाइज। सो 108 इनटू पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर। सो ये आ गया आपके पास 76340.88 न्यूटन। सो गाइस सिंपल था, थर्मल स्ट्रेस में हमको ये ध्यान रखना है कि थर्मल स्ट्रेस काय की वजह से प्रोड्यूस्ड होती है, जो भी टेम्परेचर राइज होता है और फॉल होता है। अब इसमें हमारे पास दो केस होते हैं, एक केस होता है जब आपका सपोर्ट जो है वो नॉट यील्ड है, जब सपोर्ट्स नॉट यील्ड है वो, और दूसरा केस होता है जब आपका सपोर्ट्स यील्ड हो रहा है किसी डेल सेंटीमीटर से। सो दोनों के फॉर्मूले हमने देखे, अगर आपने इसके पिछले वीडियोस नहीं देखे तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें इसमें 5 वीडियोस हो चुके हैं पहले, तो आप वो देख लीजिए। पूरा बेसिक से चालू किया है हमने, स्ट्रेस बताया, स्ट्रेन बताया। सो गाइज आप वो देखिए पहले, और इस वीडियो में थर्मल स्ट्रेस के बारे में और जानना है तो हम अगले वीडियो में इसके थर्मल स्ट्रेस के और न्यूमेरिकल्स लाएंगे। तो आप को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इनके क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।